आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत से साथी अच्छी आर ओ आर एम वैकेंसी 2022 के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होता है और जो कितने फेज़ में जो है ये भर्ती जो है प्रक्रिया कंप्लीट होती है। दोस्तों, मैं आपके डाउटों को दूर करने के लिए आया हूँ और आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर और फाइनल रिजल्ट तक जो है क्या प्रक्रिया रहती है उसके बारे में बताऊँगा और इसमें जो है ओमार बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट का जो सिलेबस क्या रहता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो फर्स्ट फेज़ में आपका जो है वो रिटन टेस्ट होता है, जो कि ओमार बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जो चाहे आप एच सी आर ओ के लिए अप्लाई करें या एच सी आर एम के लिए करें, आपको 3 घंटे का एक टेस्ट देना पड़ता है जिसमें जो सिलेबस जो होता है आपका फिजिक्स 40 क्वेश्चन होते हैं 80 मार्क्स के, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, केमिस्ट्री के भी 20 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, और इंग्लिश और जीके के भी जो हैं वो 20 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के। ऐसे जो है आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो है टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं। और ये जो क्वेश्चन जो होते हैं वो 10+2 लेवल के होते हैं, जो CBSE भी के भी और जो है आपके स्टेट बोर्ड के जो है 10+2 के आधार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन को आप जो गलत करते हैं तो आपका 0.5 मार्क जो है वो रॉन्ग आंसर के लिए डिटेक्ट किया कर लिया जाता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि फेज़ टू में जो है वो क्या होता है। सेकंड फेज़ में जो है आपका PST और PET होता है और इस साथ में डॉक्यूमेंटेशन होता है। जो भी जो है ओमार बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं उनको PST और PET के लिए बुलाया जाता है। और उसके बाद जो है वो आपको थर्ड फेज़ जो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, जो कि जो है इंग्लिश माध्यम में होता है और आप जो है आंसर जो है इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो ओनली इंग्लिश में आएगा। तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर होके जाएं। और इसमें जो क्वालिफाई होगा थर्ड फेज़ में वो जो है कैंडिडेट जो हैं वो बाद में जो है फोर्थ फेज़ जो फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है उसके लिए बुलाए जाते हैं। और उसके बाद जो है एक आपकी कट ऑफ तैयार की जाती है और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। और जिसमें जो चारों स्टेजों को जो कैंडिडेट जो है क्वालिफाई कर देते हैं वो बाद में जो है उनके घर पे लेटर, ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है और वो ज्वाइन करने के लिए जो है एलिजिबल होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको इतना समझ में आया होगा। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, और बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पर।